सो गाइस, सबसे पहले तो वार्म अप कर लेनी है क्योंकि वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्टिविटी से पहले, नहीं तो हमें कभी भी इंजरी हो सकती है। और वार्म अप में एटलीस्ट हमें 15 to 20 मिनट्स करनी चाहिए। एंड सबसे पहले हम नॉर्मल जंप से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। एंड ये जंप्स में एटलीस्ट 100 काउंट्स करने हैं। ओके, सो डू इट मी। इसके बाद हम जंपिंग जैक्स करेंगे एंड ये भी हमें 100 काउंट्स करने हैं। सो रेडी। सो हमने ये 100 काउंट्स किया एंड इसके बाद हमें लेग पे फोकस करना है एंड लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है। सो ये 10 काउंट्स फ्रंट बैक। लेफ्ट राइट बेंडिंग। ओके, नाउ ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड लुकिंग। ओके, नाउ फॉर द आर्म्स। स्ट्रेच। मूवमेंट्स राइट लेफ्ट। अब हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होता है जो हमारे स्प्लिट्स के लिए बहुत कंपल्सरी है। सो ये इसके लिए हमें करना है अपने दोनों लेग्स को वाइड ओपन एंड हमें फोकस करना है कि हमारे दोनों नीज स्ट्रेट रहे एंड हमारे बैक की स्ट्रेट रहे एंड हमें नीचे जब बेंड करना है तो हमारे वेस्ट के थ्रू बेंड होना है, हमारा वेस्ट बेंड होगा ना कि हमारा बैक। सो यू हैव टू लीन फॉरवर्ड, अपने बॉडी को लूज करना है, आपके नीज स्ट्रेट रहने चाहिए एंड इस पे आपको एटलीस्ट 1 मिनट होल्ड रखना है। ओके, सो आफ्टर दैट बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, इस पे भी आपको एटलीस्ट 1 मिनट होल्ड रखना है। Now, right. 1 minute hold. Lunges. 1 minute hold. Left side. 1 minute hold. एंड अभी हैंड्स अप, बैक स्ट्रेट, आपको वेस्ट के थ्रू बेंड होना है, अपने वेस्ट को बेंड करना है ना कि बैक को, एंड अपने नी को भी स्ट्रेट रखना है एंड लीन डाउन एंड लूज योर बॉडी, आपके अपर बॉडी को आपको लूज रखना है एंड अपने नीज को स्ट्रेट रखना है, नीज को बेंड नहीं करना है। जस्ट बी योर, आपको रिलैक्स करना है, लूज छोड़ना बॉडी, 1 मिनट तक रहना है इस पे। ये आपको एक्सरसाइज की रेगुलर हर दिन करनी है ताकि आपके पूरी फुल बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी का प्राइमरी एनर्जी है वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो पूरी तरह से आपके लेग्स को अडेप्ट कर सके ताकि आपके जो मसल्स हैं, नेक्स्ट के जो फिर मसल्स हैं उसके छोटे छोटे पार्ट्स पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो सके,
इसलिए आपके पूरी लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि आपके एक्सरसाइज हर दिन करें। इसमें आपके लेग्स आउटर तरीके से और फ्लेक्सिबल होंगे। सो आपको ये करना पड़ेगा। सो गाइस, जितना भी मैंने आपको बताया है, आई होप आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको सेम रूटीन आपको हर दिन फॉलो करनी है तो आप खुद में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखोगे, आपकी लेग्स में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। एंड ये आप कंटिन्यू करते रहो 3-4 दिन तक। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको ला कर दूँगा जो इससे एडवांस होगी, जो इससे एडवांस आपको करने में मदद करेगी। आप फिलहाल अगर ये करोगे, जो बिगिनर्स हैं जिनको मिडिल स्प्लिट साइड स्प्लिट्स करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने ये बनाया। सो इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड आई होप जिसको ज़रूरत है इस वीडियो की, प्लीज़ आप उनको शेयर करो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गिव अ थम्स अप। एंड आई होप यू लाइक इट। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है एंड वो इससे एडवांस में रहेंगे। जो मिडिल स्प्लिट्स रहेंगे उसको उसके और ज़्यादा एडवांस में मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल आप इस रूटीन को अच्छे तरीके से फॉलो करो और आपके अपने लेग्स को और ज़्यादा मोबिलिटी लाओ अपने लेग्स पे, ताकि और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आए आपके इसी एक्सरसाइज में। इसी रूटीन में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आपको दिखेगी। पहले आप इसको कंप्लीट करो, मैं आपको और एडवांस दूंगा अगर आप पहले इसको कंप्लीट कर पाते हो। सो एवरीवन जस्ट हैव अ गुड डे एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।